हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में हमने विंटर डेटा सेपरेट किया था और इस वीडियो में हम अराइवल टाइम और वेटिंग टाइम को सेपरेट करेंगे। तो हम जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कौन सा कोड लिखना है वो मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमने जो डेटा विंटर में डिवाइड कर लिया था, अब हम करेंगे ग्रुप बाई PDAYR और इसका साइज डिस्प्ले कर देंगे। तो एक्सट्रेन डॉट ग्रुप बाई VDAYR डॉट साइज, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और उसका साइज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब हम देखेंगे अराइवल टाइम, ये नाइट टाइम है क्या? अगर ये नाइट टाइम है तो हम 1 रिटर्न करेंगे, अदरवाइज रिटर्न करेंगे 0। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है, डेफ इज नाइट। तो अराइवल टाइम लेना है, अराइवल टाइम में इसका इंटीजर पार्ट हमें एक्सट्रैक्ट करना है। अगर ये 0 और 800 के बीच में है मतलब 1 है और अराइवल टाइम हमारा नाइट टाइम हो गया। इफ ये 2000 एंड 2400 के बीच में है तो भी हम लिखेंगे 1, अदरवाइज हमारा हो जाएगा डे टाइम और हम रिटर्न करेंगे 0। अब हमें नाइट टाइम का वैल्यू स्पेसिफाई करना है, तो हम अराइवल टाइम लेंगे एंड इसमें इज नाइट ये फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो डेटा सेट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। नाइट टाइम का वैल्यू होगा 1 एंड जिसमें नाइट टाइम नहीं है उसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब हम ये जो कॉलम है अराइवल टाइम, इसको हम ड्रॉप कर देंगे फ्रॉम ट्रेनिंग एज वेल एज फ्रॉम टेस्टिंग। अब हम क्या करेंगे, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम के लिए हमें कोड लिखना है x_train.location वेटिंग टाइम। इसमें हम इसको 2 न्यूमरिक फंक्शन से इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें अप्लाई करना है यूजिंग द अप्लाई फंक्शन, अप्लाई PD.2 न्यूमरिक। तो ये हमारा जो वेटिंग टाइम है वो न्यूमरिक में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर ट्रेनिंग एज वेल एज फॉर द टेस्टिंग डेटा। सो आई होप दिस प्रैक्टिकल वॉज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।